अभी धोनू सो के उठा है, वो खुद देखेगा अपना। नमस्कार दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम लोग धोनू का कुछ बेल मेटल का गिफ्ट है वो अनबॉक्सिंग करेंगे, क्योंकि वो हमेशा अपना चीज़ों को देखना चाहता है, कोई गाड़ी हो कार हो, लेकिन हम लोगों ने उसे अपने कांसे का जितना भी बर्तन वगैरह है रिश्तेदारों ने दिया था उसको आशीर्वाद के रूप से, तो वो अभी तक उसने देखा नहीं। तो इसी बहाने हम लोग आसाम की जो काश शिल्प है जिसको कहते हैं बेल मेटल का जो हैंडीक्राफ्ट है, बेम्बू एक नंबर का है हैंडीक्राफ्ट आसाम से, और सेकंड है ये जो बेल मेटल है, और इसके लिए फेमस जो है वो आसाम का बोजाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर सार्थेबारी नाम की जो जगह है उसमें ये हैंडीक्राफ्ट का इंडस्ट्री बहुत मतलब फेमस है। तो ये जो देख रहे हैं ये है आसामिस कल्चर का एक अहम चीज़, इसे शोराई कहते हैं, होराई कहते हैं आसामिस में, और इसके साथ और भी एक चीज़ रहता है उसको कहते हैं बोटा, जिसमें पान परोसा जाता है कच्चा तामुल पान। तो देखते हैं धोनू का गिफ्ट में क्या क्या बेल मेटल का चीज़ें हैं। तो चलिए उसके बर्थडे में जो जो मिला था वो तो हम लोगों ने अभी तक खोला ही नहीं। ये तो बहुत रिवाज था पहले, लेकिन आजकल इसके एक घट गए हैं, लेकिन फिर भी जो अहम रिश्ता होता है अपना मामा मामी चाचा चाची, तो वो लोग अलग से नहीं देते हैं। ये देखिए एक कांसे का थाल, बेल मेटल का ये गिलास है बच्चे के पीने के लिए, इसको हम बाटी बोलते हैं जो कि कटोरी है, और ये है हम लोग बोलते हैं काशी राजवंशी भाषा में, और असमिया में बोलते हैं काही या थाल। तो ये पूरा सेट हो गया एक लोगों की खाने का जो सामान होते हैं, ये है कटोरी या बाटी, ये है गिलास, और ये है थाली। तो एक हमने देख लिया, इसको साथ में रखते हैं, और एक दूसरा है अरे इतना भारी हो गया, ये देखिए ये भी खुला नहीं हम लोगों ने, देखते हैं क्या क्या है। ये भी सेम, ये देखिए छोटा वाला उससे थोड़ा सा बड़ा, ये और बड़ा, कितना अच्छा लगता है ना। इसमें खट्टा चीज़ नहीं खाते हैं जैसे कि दही हो गया या कोई नींबू का शरबत। हाँ एक बात याद आ गया, जब मैं छोटी सी थी तब एक दिन जीत करके कि एक लोटा में शरबत पीऊँगी नींबू पानी, तो मैंने जैसे ही मुंह में डाल लिया था तो उसका पूरा जो मेटल है वो क्या कहते हैं वो केमिकल रिएक्शन होके गले में इतना लग गया था, तो 3-4 दिन लगे थे वो रिएक्शन जाने के लिए। तो सावधान रहिएगा, कहीं बेल मेटल के अंदर खट्टा चीज़ें खा लिया तो केमिकल रिएक्शन हो सकता है। और खट्टा इसको साफ करने के लिए जो हम लोगों की राख होते हैं, राख के साथ आजकल तो साबुन वगैरह इस्तेमाल करते हैं जो डिश वॉश बार होते हैं, और उसके साथ खट्टा नींबू या एक पत्ता होते हैं जो खट्टा होता है, तो वो भी इसे साफ करने के लिए लगता है। तो
तो ऐसे ही है, और भी देख सकते हैं कितना खाली है। हालांकि ट्रेडिशनली यूज़ होते हैं इसका, कोई पूजा हो गया या कोई जन्मदिन है या फिर मतलब कोई इनविटेशन है। मान धुनू सो के उठा है, वो खुद देखेगा अपना चीज। हाँ, ये क्या है? हसुदे धुनू कुंटा बाबा, धुनू कुंटा।